An idiom is essentially a common phrase with a meaning that cannot be understood by looking at its individual words. इस डेफिनेशन में मैंने फ्रेज को हाईलाइट किया है. सबसे पहले हम सीखेंगे कि फ्रेज क्या है. जब आप फ्रेज को समझ पाएंगे तो आप idiom की डेफिनेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं द कैट इज सिटिंग इन द कॉर्नर. ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. अब इसमें से अगर मैं कुछ वर्ड्स लाइक इन द कॉर्नर निकाल के बाहर लिख लेती हूँ तो ये फ्रेज है. अब फ्रेज क्या है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. हम कुछ वर्ड्स को निकाल लेते हैं और उसको फ्रेज कहते हैं, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज होंगे जो अपने अंदर कोई मायने रखते हों. अब जैसे मैं अगर कोई आपसे पूछता है वेयर इज द कैट, बिल्ली कहाँ है, और आप कहते हैं इन द कॉर्नर, तो आपके वर्ड्स का कोई मीनिंग है. अब इसी तरह से हमने डेफिनेशन में देखा कि इंडिविजुअल वर्ड्स, अगर ये वर्ड्स ये idiom नहीं है, लेकिन अगर ये idiom है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि idiom के एक word का meaning निकालें, फिर दूसरे का निकालें, फिर तीसरे का निकालें और फिर उन सारे words के meaning को join करें और एक meaning समझने की कोशिश करें. ऐसा नहीं होता. आपने पूरी phrase को ही समझना है और उसको as a phrase ही लेकर चलना है. उस पूरी phrase का एक meaning होगा, उस पूरे idiom का एक meaning होता है. उसको आप individual meaning के साथ नहीं अंडरस्टैंड कर सकते idiom को. idiom has figurative meaning, not literal meaning. Dove peace. अब यहां पर हम देखते हैं कि मैंने two words को highlight किया हुआ है, figurative को और literal meaning को. figurative figure से निकला है, जिसका मतलब हो सकता है कोई diagram, कोई पिक्चर, कोई सिंबल. हमारे पास डव की पिक्चर है. अगर मैं कहूं कि इसका लिटरल मीनिंग क्या है तो आप कहेंगे कि डव एक बर्ड है, एक परिंदा है. लेकिन अगर हम इसका सिंबॉलिक मीनिंग निकालना चाहते हैं, अगर हम इसका फिगरेटिव मीनिंग देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये पीस का सिंबल है, ये अमन की अलामत है. जहाँ पर डव होगा वो इस चीज़ को शो करता है कि यहाँ पर पीस है, यहाँ पर अमन है. मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रेज. इनडायरेक्ट मीनिंग, idiom को आपने उसके एग्जैक्ट मीनिंग्स के साथ नहीं लेना. जो कुछ उसमें लिखा होगा उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो उससे टोटली डिफरेंट होगा. जैसे मैंने यहाँ लिखा डॉग एट माई होमवर्क, ये एक idiom है. अब एक बच्चा, हम फर्ज कर लेते हैं कि एक बच्चा रोज़ अपने टीचर के पास आ रहा है और स्कूल का काम नहीं करके आता और डिफरेंट तरह के एक्सक्यूजेस देता है, तो टीचर अगर उसे ये कहे कि वाओ डॉग एट माई होमवर्क, तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर ने कहा कि कुत्ता मेरा होमवर्क खा गया या मेरा स्कूल का काम जो वो खा गया. इसका मतलब यह है टीचर उसे ये कहना चाह रही है कि बेटे आप लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, आप बहाने बना रहे हैं. सो इस idiom का जो मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट है इन वर्ड्स से जो कि ये लिखे हुए हैं. इसी तरह से मैंने एक उर्दू का idiom लिखा है आपको समझाने के लिए, सर मुंडवाते ही ओले पड़े. अब जो कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अगर किसी शख्स ने अपना सर गंजा करवा दिया और तो क्या हुआ, जैसे ही उसने सर गंजा करवाया बारिश होना शुरू हो गई, इसका तो मतलब ये हुआ, और ओले पड़ना शुरू हो गए. इसका मतलब, इसका जो इनडायरेक्ट मीनिंग है वो ये है कि इब्तदा में ही काम का खराब हो जाना या खराब होना. अब आप idioms को समझना भी कोई बहुत आसान काम नहीं है. सो idiom को हम किस तरह से याद रख सकते हैं, किस तरह से उनको अपनी मेमोरी का पार्ट बना सकते हैं, थ्रू कॉन्टेक्स्ट. इसी तरह से अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को
इम्प्रूव करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो याद रखिए कि नेटिव स्पीकर्स बहुत ज़्यादा idioms यूज़ करते हैं. सो इसको हम कॉन्टेक्स्ट में भी याद रख सकते हैं. लिक द डस्ट. लिक का मतलब होता है चाटना, मट्टी चाटना. सो अगर कोई शख्स गिर जाता है मुंह के बल और उसके मुंह में मट्टी चली जाती है, तो क्या ये बड़े एजाज की बात है? नहीं, बड़ी शर्मिंदगी की बात है. और जब कोई गिरता है तो क्यों गिरता है? इसका मतलब है वो हार गया, वो जीत नहीं पाया, उसको शिकस्त हो गई. सो आप इसको किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में याद रख सकते हैं. लिक द डस्ट. द एनिमी हैड टू लिक द डस्ट इन द वॉर. एट द 11th आवर. फर्ज कर लेते हैं कि किसी शख्स ने अपना काम दिन ख़त्म होने से पहले पहले करना है और जो दिन है वो 12 बजे ख़त्म हो जाता है. वो शख्स पूरा दिन काम नहीं कर पाया और उसने रात चुके 11 बजे काम शुरू किया. तो अब आप देखें 11 से 12 के दरमियान टाइम बहुत कम है, तो उसने बिल्कुल आखिरी वक्त पर काम शुरू किया है. सो एट द 11th आवर को आप इस तरह से याद रख सकते हैं. ही रीच्ड द स्टेशन एट द 11th आवर. पॉइजन वन्स ईयर्स. पॉइजन एक डेंजरस चीज़ है, एक लाइफ टेकिंग चीज़ है. सो आप पॉइजन को कानों में तो नहीं डाल सकते, लेकिन किसी के कान पॉइजन कैसे कर सकते हैं? कान एक ऐसा ऑर्गन है जो सुनता है और जो मैसेज आप कानों में देते हैं उस मैसेज को दिमाग तक पहुंचाता है. सो आप किसी के दिमाग को ख़राब कर सकते हैं, पॉइजन कर सकते हैं. किस तरह से? उसके कानों में बुरी बातें डालकर. सो बुरी बातें जो हैं वो पॉइजन की तरह होती हैं. Never poison anyone's ears against your friends. A bed of roses. फूलों का बिस्तर. फूलों का बिस्तर कैसा होगा? आपको ये सोच कर ही मज़ा आ जाता है कि अगर आपका बेड जो है वो आरामदेह हो, उसके ऊपर फूल बिछे हुए हों, तो आप कैसा फील करेंगे कि मैं बस सो जाऊँ और कोई काम ना हो और बस मैं रिलैक्स हो जाऊँ. सो फूलों का बिस्तर, इट मींस कोई चीज़ जो बहुत सूदिंग है, रिलैक्सिंग है और उसमें कोई भी आपको परेशानी नज़र नहीं आती. लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेस. कट अ सॉरी फिगर. फिगर को आप किसी शख्स के साथ लिंक कर सकते हैं. सॉरी, आप सॉरी तब फील करते हैं, कोई शख्स तब सॉरी फील करता है जब वो कोई काम करने में नाकाम हो जाता है, जब उससे कोई काम नहीं होता या कोई गलत काम करके भी हम कहते हैं सॉरी. ही कट अ सॉरी फिगर इन द डिबेट. कम आफ्टर. कम का मतलब होता है आना, आफ्टर का मतलब होता है बाद में. सो जो शख्स आपके बाद में आएगा वो आपका जानशीन होगा या आपकी जगह लेगा. आई कैन नॉट रिमेंबर विच किंग केम आफ्टर विच. थैंक यू वेरी मच.